हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग मेरी दुनिया में। और आज हम बहुत दिनों बाद ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपने पिछला ब्लॉग देखा ही होगा तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारी बुआ की बेटी की शादी है, तो उनके लिए जो मामा की तरफ से बात का सामान जाता है उसकी शॉपिंग हो रही है पिछले कुछ दिनों से, इसलिए ब्लॉग नहीं हो पा रहा है। फाइनली शॉपिंग कम्प्लीट हो चुकी है तो मैं धीरे धीरे करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में कहा था कि जो भी शॉपिंग और जो भी हम तैयारी करेंगे वो आपको ज़रूर शेयर करेंगे कि हम क्या क्या खरीद रहे हैं और क्या क्या देने वाले हैं, तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और आपने अगर यदि मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा हो तो जाओ उसको देखो, जहाँ हम अपनी बहन को गेगल में पेपर दिलाने लेके गए थे, तो ज़रूर उस पर व्यूज़ लाओ। और अब हम दिखाएंगे आपको क्या क्या सामान हमने ख़रीदा है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं सामान। तो गाइस, आप ये बैग देख रहे होंगे दूर से, अंधेरे में आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा लेकिन आप ये बैग देख पा रहे होंगे। ये पूरा बैग है जो 28 तारीख को जो मेरी बहन की शादी है, उनकी बुआ की बेटी की, तो उनके लिए ये तैयार किया गया है। उन जो भी उनके रिलेटिव होंगे उनको हम सामान देंगे, साड़ी देंगे, पैंट शर्ट देंगे, तो ये पूरा बैग भरा हुआ है। तो चलिए चलते हैं, इसको खोलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले गाइस, सामान का थैला बहुत भारी है, थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको उठाने की, तो चलिए अब इसको खोलते हैं। जैसे तैसे मैंने इसको उठा करके ऊपर पलंग पर रख लिया है, बहुत भारी थैला है इसको, क्योंकि जमाने में बहुत समय लग गया था और इतने दिनों से हम शॉपिंग ही कर रहे थे तो हमें ब्लॉग बनाने का समय नहीं मिला। तो खोलते हैं इसको और आप अपनी राय ज़रूर रखना कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, और आपके घर में जब शादी होती तो क्या आपकी भी हालत ख़राब हो जाती है। तो देखते हैं, पहले एक बार सब निकाल लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हैं। आप भी एक बार को देख के शौक हो जाएंगे कि जैसे मैंने सजाया है, और आप देख के चौंकेंगे कि पूरा जो हमारा जो बेड था वो पूरा भर चुका है कपड़ों ही कपड़ों से, क्योंकि जो जो हमें बताया गया था जितने भी लोगों के कपड़े लाने थे वो सब हम लेकर के आ गए। और अभी तो और भी तैयारी बाकी है क्योंकि इनमें अभी हमें फोल्डिंग करनी पड़ेगी कैसे क्या कि। तो गाइस, साड़ी में बिंदी का पत्ता और स्पंज की जो छोटी छोटी बॉले होती हैं वो, और इनको कलावे से फोल्ड करना पड़ेगा जैसे अपन मूली के मूली से भी जानते हैं। तो अभी बहुत तैयारी बाकी है और भी, आप देखिए कैसा लग रहा है, हमारा बेड पूरा भर चुका है, दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने लाइट भी जला ली है, आप देख रहे होंगे पूरा बेड है जो भर चुका है, आप देखिए जरा एक बार। ये टॉवल हैं और ये साड़ियां हैं, ये सारी साड़ी हैं। आप कमेंट डाउन करके बताइए आपको इनमें से कौन सी साड़ी आ रही है पसंद, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या हमने लिया है। तो पहले शुरू करते हैं हम पहले साड़ियों से, जो लेडीज़ की साड़ी हमने ख़रीदी है। तो यह है ये साड़ी, आप देखते चलें, और मैंने लाइट भी जला ली है क्योंकि सही से दिख नहीं रहा है, और हमारे कमरे की लाइट का थोड़ा जो बल्ब है वो थोड़ा डिम है तो क्लियरिटी साफ़ नहीं आती है, उसके लिए माफ़ी। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, पहली साड़ी ये है, अगर आपको अगर समझ में आ रहा है तो। दूसरी ये है, तो ये सब जो भी उनके रिलेशन में होंगे उनको हमें देनी है, और इन्हें पैक करना है कलावे से, बिंदी के पत्तों से और स्पंज की बॉलों से। आप देखते चले आपको कौन सी साड़ी आ रही है पसंद, आप देखते चले और कमेंट डाउन ज़रूर करें। और हाँ, अभी हम आपको ब्राइड की साड़ी भी दिखाएंगे जो मामा की तरफ से फेरों पे पहनी जाती है, ये तो आप सबको पता ही होगा। और ये हैं जेंट्स के हैं ये, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरे पैक हैं, वो लेडीज़ की साड़ियां हैं और ये जेंट्स का है पोर्शन, पूरा बेड है जो भर चुका है आप देख सकते हैं, और ये जो देवी देवताओं के कपड़े होते हैं बड़े बुजुर्गों के, ये वो हैं। और ये साइड में आप देख सकते हैं ये गिलास हैं, बहुत सारे गिलास हैं ये। और आपको दिखाती चलूँ तो तौलियाओं का बंडल देखिए आप, लुक एट दिस, बहुत सारी तौलियाँ हैं, वो तो बहुत मज़े आने वाले हैं शादी में हमारे को, और ये सब सामान हमारी तरफ से जाने वाला है। आप एक बार दूर से देखिए ज़रा,
पूरा बेड भर चुका है। और अब चलते हैं ब्राइड की साड़ी की तरफ। तो गाइज ये साड़ी हमारी तरफ से जाने वाली है हमारी बड़ी बहन को, जो हमारी बुआ की बेटी है उनको। आप देख सकते हैं इसकी वर्किंग देखिए आप। अगर आपको मैं उजाले में दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी साड़ी है, लाल और पीली। ये मामा की तरफ से होती है, जो दुल्हन फेरों के वक्त साड़ी पहनती है ये। तो ये ऐसी दिखती है कुछ, आपको अगर मैं उजाले में दिखाऊं तो देखिए, तो ये कुछ ऐसी नज़र आ रही है। और आप कमेंट डाउन करें आप में से इनको कौन सी साड़ी, बहुत सारी साड़ियाँ हैं, इनमें से कोई ना कोई तो पसंद आई होगी। सबके अलग पैटर्न और डिज़ाइन है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट डाउन करें और आप भी बताएं कि आप भी ऐसी तैयारियों में थक जाते हैं। आप भी जरूर कमेंट डाउन करें कि आप भी ऐसी तैयारियों में क्या थक जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों से शॉपिंग चल रही है ये, और फाइनली थोड़ी बहुत कंप्लीट हुई है, क्योंकि अब इन पर डेकोरेशन भी बाकी है जैसे मैंने बताया। तो डेकोरेशन के बाद भी हम दिखाएंगे कि हम किस किस डेकोरेशन की बात कर रहे हैं, और आप भी किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं या करते हैं। तो ज़रूर कमेंट डाउन करें क्या आपके भी ऐसा होता है जैसे हम तैयारी करते हैं। वो होगी आज शाम या कल तक हो जाएगी, तो आपको मैं ज़रूर आने वाले ब्लॉग में दिखा पाऊंगी कि कैसे क्या है। और 28 तारीख की शादी है, ये मैंने आपको ब्लॉग में दिखा दिया है। जिसने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और वो वाला ब्लॉग भी ज़रूर देखिए, और शायद अब रेगुलर ब्लॉग आ सकें क्योंकि शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन 2 दिन बाद तो फिर शादी में जुटना है, तो क्या पता ब्लॉग नहीं भी आ पाए, तो उसके लिए माफ़ी। क्योंकि कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ ब्लॉग डाल सकूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उसके लिए तो माफ़ी देना। आप ज़रूर कमेंट डाउन करें कि आपको कौन सी साड़ी पसंद आ रही है। और इसी के संग में अगर आपको बाहर का माहौल दिखाऊं, बहुत प्यारी धूप निकली है, आप देखिए ज़रा। तो वैसे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, शानदार धूप निकली हुई है, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो वैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमने गेंदे का पेड़ उगाया था उसमें कितना बड़ा फूल आया है। आपको दिखाती हूँ मैं, फिर आप बताना कि कैसा लग रहा है वो। गाइस इस फूल को देखिए कितना प्यारा लग रहा है और कितना बड़ा खिला है। लुक एट दिस, कितना बड़ा खिला है। और बाकी ये पौधे तो जल चुके हैं, बहुत तेज़ धूप पड़ती है इसलिए। और लेकिन ये वाला फूल देखिए कितना प्यारा खिला हुआ है। इस पास वाला जो प्लॉट था उसके पूरे पौधे कट चुके हैं, सारे पौधे कट गए, और मधुमक्खी के दो दो तीन तीन छत्ते निकले हैं। और जिस पेड़ पर हैं वो पेड़ काटे नहीं हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा सन्नाटा पड़ गया, सारे पेड़ पौधे कट गए, और जो जो पक्षी के जो घोंसले थे वो भी सब जला दिए इन लोगों ने, सब काट दिए। मैं आपको एक बार थोड़ी सी झलक दिखा दूँ और फिर बात करते हैं। तो गाइस ये देखिए इधर पूरे पेड़ कट चुके हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पूरा भरा भरू था। आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें पूरे भरा पेड़ पौधे थे और अब इन लोगों ने सारे पेड़ काट दिए हैं। और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो हमारे ही घर के इधर ये मधुमक्खी का छत्ता है, आपको दिखाऊं मैं, अगर आपको नज़र आ रहा है तो जूम कर। तो गाइस ये मधुमक्खी का छत्ता है, ये लोहे के जो पैनल पे लगा हुआ है, ये मधुमक्खी का छत्ता है। और आप इसको देखिए कितना भयानक लग रहा है, थोड़ा पास जाके अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। पास जाके तो आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि चढ़ने का कोई संसाधन नहीं है, और बहुत लटक के थोड़ा चढ़ना पड़ेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और हमारे घर में आ चुकी है अचार के लिए मिर्चियाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सर्दी में मूली गाजर और मटर का मिर्ची का अचार डलता है, तो बहुत से लोगों के डलता होगा सर्दियों में। आप ज़रूर कमेंट डाउन करें अगर आपके अचार डलता है तो आपके घर में अचार कौन डालता है, आपकी दादी, आपकी मम्मी या आपकी नानी, ज़रूर कमेंट डाउन करें। देखिए कितनी बड़ी बड़ी मिर्ची है, और ये हम अचार डालने के लिए लाए हैं। और मैंने तो मम्मी को कहा है कि मम्मी मेरे को तो इसकी मिर्ची बड़े खाने हैं, क्योंकि देखने में क्या शानदार लग रही है, लेकिन है उतनी तीखी। और गाइस आज हमारे पत्ता गोभी बनी है, और पत्ता गोभी तो मेरी बिल्कुल फेवरेट सब्ज़ी है। और आप सोचते होंगे बार बार इसके हाथ में क्या है, तो ये गाइस रिमोट है, वीडियो को पोज और चालू करने के लिए ये रिमोट होता है। बहुत से लोगों के पास होगा ट्राइपॉड तो उनको पता होगा,
कि रिमोट भी साथ मिलता है, इसलिए तो थोड़ा इजी हो जाता है रिकॉर्डिंग करने में। और भाई बिल्कुल बहुत सही चीज़ मेरे हिसाब से, मुझे ये लगती है कि ये चीज़ बिल्कुल बढ़िया चीज़ दी है इस किस्म रिकॉर्डिंग करने के लिए। आपको गिलहरी दिख रही होगी जो उल्टी लटक के खाना खा रही है, ये गिलहरी उल्टी लटक के खाना खा रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डोली पे चढ़ना पड़ेगा, मैं दिखाती हूँ आपको, कोशिश करती हूँ। ये देखिए गाइस, ये डोली पे चढ़ करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे उल्टा लटक के खाना खा रही है ये गिलहरी। और ये गिलहरी इतनी शैतान है कि जो हमारी प्लेट में जो चावल रखे हैं तखत के ऊपर, उसमें से चावल मतलब खाती है, आती है। अगर मैं ज़रूर दिखा पाऊँ आपको, देखो कैसे पूरी लटक गई है गिलहरी, दो टांग पे लटक गई है यार, कैसे लटक गई है देखो आप। ज़रूर कमेंट डाउन करें क्या आपके उधर भी गिलहरियाँ हैं क्या बहुत सारी, देखिए कैसे खाना खा रही है। अगर मैं कैमरा ना हिला पाऊँ तो देखिए, एक पड़कुलिया भी आई है, चली गई, इतनी डेंजर तरीके से खाना खा रही है। ये वही है गिलहरी जो हमारी तख्त पे जो चावल की प्लेट रखी है उसमें से भी ये चावल खाती है आके, और बहुत शैतान है इनका, चार पांच का ग्रुप है गिलहरियों का, और ये खूब शैतानी करती हैं। और मतलब ऐसे हमारी जो गेहूँ की बोरी जो बाहर रखी होती है उसको तक फाड़ देती है आके दांतों से, इतनी शैतानी है गिलहरी। अगर अगर वो मोमेंट कैप्चर हो पाया कि जिसमें ये चावल में से प्लेट में से चावल खाती हुई नज़र आई, तो मैं ज़रूर वो मोमेंट कैप्चर करके ज़रूर डालूंगी। और आपको पीछे कबाड़ा दिख रहा होगा, किधर दिख रहा है, ये जो फॉर्चून वर्जन का पेपर रखा है, ये सब सबके घर में कबाड़ा एक कोने में इकट्ठा होता है, हमारे भी इस कोने में इकट्ठा कर देते हैं हम। और देखिए आप कैसा लग रहा है, इसको छुपाएंगे, इसको बेचेंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन यहाँ से जल्दी हटाएंगे इसको। अब इस कबूतर को देख रहे होंगे, तो इस कबूतर का घोंसला बहुत बड़ा घोंसला था, वो पेड़ जिस पे कट गया, मतलब जो पेड़ कट गया उस पे इस कबूतर का घोंसला था। अब ये रोज़ आती है और रोज़ देखती है, और क्या पता इसने नया घोंसला बना लिया हो अब। तो ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, तो इस पे मधुमक्खी का छत्ता था, इसलिए ये पेड़ काटा ही नहीं। और जो जिस पेड़ पे इसका घोंसला था वो पेड़ काट के और इन लोगों ने जला दिया, और बेचारी ये रोज़ आती है और रोज़ देखती है। कुछ दिनों से मैं इसको नोट कर रही हूँ, पेड़ काटना तो आपको पता ही है कितनी गलत बात होती है पेड़ काटना, क्योंकि इन जो मासूम जो बेजुबा पक्षी होते हैं उन सबके ये जो घोंसले हैं वो टूट जाते हैं, और मतलब एनवायरनमेंट को बहुत हानि होती है। अब ये रोज़ अपने घोंसले को देखती आके, लेकिन इसका घोंसला तो अब टूट गया, इसको क्या पता कि कहाँ गया। अब अंडे वंडे थे या नहीं ये तो मेरे को कन्फर्म नहीं है, लेकिन घोंसला तो मेरा देखा हुआ था, जिस पेड़ पे घोंसला था वो पेड़ काट के लोगों ने जला दिया। अब रोज़ आके रोज़ देखती है और उदासी बैठी रहती है, पता नहीं क्या पता ये नया घर बना ले, या कोशिश कर रही हो नया घर बनाने की। ये कबूतर अब यहाँ आ गया उड़ करके, बेचारा दुखी सा घूम रहा है, इसका घोंसला तोड़ दिया। फाइनली शाम हो चुकी है और अभी अभी हमारा प्लान बना है पार्लर जाने का, और इंतज़ार हो रहा है मेरी बहन का, जैसे ही वो ऑफिस से आएगी तो हम पार्लर के लिए निकलेंगे, और बस वो आने में ही होगी, तो वेट करते हैं उसका और फिर फटाफट चलेंगे पार्लर, क्योंकि आपको तो पता ही है कि घर में शादी है तो बाल कटवाने हैं। तो फाइनली मेरी बहन आ चुकी है, तो फटाफट चलते हैं। फाइनली हमारे घर में बाजरे और मक्के का आटा आ चुका है, क्योंकि अब सर्दियों का समय चालू हो चुका है, तो सर्दियों में बाजरे और मक्के की रोटी खाने में बहुत मज़ा आता है। तो फाइनली आटा आ चुका है घर में, और अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करके फिर निकलते हैं। तो गाइस ये रहे आटे, और लाई है मेरी बहन बियर, तो फटाफट आगे का काम करते हैं और फिर मिलेंगे आपको। गाइस ये देखिए मेरी बहन एक कीवी लेकर आई है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। एक कीवी से क्या होता है आप बताएं, आप बताएं, कमेंट करें आपको क्या कीवी खाना पसंद है। बस फाइनली पार्लर वाली दीदी को फ़ोन करने के बाद ये पता चला अभी किसी और का मेकअप चल रहा है, तो अब हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ मेकअप चल रहा है किसी और का, तो वो उसमें बिजी हैं। तो अब हम ये जो प्रोग्राम है पार्लर जाने का वो पोस्टपोन कर रहे हैं, और अब हम नहीं जा पाएंगे। तो अब हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए आपको क्या करना है
चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़रूर कमेंट्स करके बताएं आपको आज के ब्लॉग में कौन सी क्लिप सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अब हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।